सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और एक दिन राजा दक्ष ने अपने महल में एक यज्ञ अनुष्ठान रखा। सभी देवताओं को बुलाया गया, सभी राजाओं को बुलाया गया, केवल भगवान शिव को उस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। इसका कारण श्री परीक्षित महाराज पूछते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि प्रभु, राजा दक्ष ने अपनी पुत्री का विवाह शिव के साथ तो किया था, लेकिन इस यज्ञ अनुष्ठान में उनको स्थान क्यों नहीं दिया, इसका कारण क्या है? तो श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि पुत्र, एक समय की बात है कि राजा दक्ष को प्रजापति बनाया गया देवताओं की तरफ से। जब दक्ष प्रजापति बने, सभी देवताओं के अध्यक्ष बने, तो एक सभा बुलाई गई। उस सभा में सभी देवी देवता विराजमान थे, और जब कोई अध्यक्ष आता है तो वो सभा उठ खड़ी होती है, और सबने आकर प्रणाम किया। राजा दक्ष को सभी देवताओं ने प्रणाम किया। लेकिन आज आपको पता है, इंसान की नजर वहीं जाती है जो प्रणाम कर रहे हैं, पैरों में गिर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, जो प्रणाम नहीं कर रहा है उसकी तरफ ध्यान जाता है। उन्होंने देखा कि इधर कौन बैठा है, देखा कि ब्रह्मा जी बैठे हैं। ओहो, ये तो मेरे पिताजी हैं। आगे की तरफ देखा कौन बैठे हैं, भगवान विष्णु। अरे, ये तो पालक है, संसार का पालन कर रहे हैं। उससे तीसरी तरफ देखा तो भगवान शिव जो अपनी समाधि में लीन थे, उनकी तरफ देख के उसको क्रोध आ गया कि ये तो मेरा दामाद है, इसने उठकर मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। उस पद का घमंड राजा दक्ष को था, लेकिन भगवान शिव अपनी समाधि अपनी साधना में थे। और जैसे ही वो अपनी उस सिंहासन पर बैठते सभा के अंदर, कहते हैं कि सभापति सबसे बाद में बोलता है। जब कोई सभा होती है पहले परिचय होता है, मंत्रीगण बोलते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक बोलते हैं। सभापति का जब विराम होना होता है वो सभा, उस समय आखिरी में अपने विचार प्रकट करता है वो सभापति। लेकिन यहां राजा दक्ष सभापति हैं और सभा में बैठते ही बोल पड़े कि सभी मेरी तरफ ध्यान दें, मेरी बात सुने। अब ये सुनकर सब हैरान थे कि आज सभापति सबसे पहले बोल पड़े, कारण क्या है, क्या कहना चाहते हैं। कहने लगे, ये सभ्य व्यक्तियों की सभा है, यहां पर अघोरी जिसको मान सम्मान देना नहीं आता, जिसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, जिसको बैठने उठने का की मर्यादा नहीं है, और जिसके शरीर से दुर्गंध आती हो, ऐसी सभा में ऐसी किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं। जो शमशानों में रहता हो, ऐसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता यहां पर नहीं है। सब समझ गए कि सभापति किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। भगवान शिव की समाधि टूटी, और जैसे ही समाधि टूटी उन्होंने राजा दक्ष को भी प्रणाम किया। राजा दक्ष ने कहा, इस नाटक को छोड़ दो और इस सभा को छोड़कर अभी चले जाओ, मैं तुम्हें इस सभा में नहीं रहने दूंगा। अब सभापति हैं, या तो तुम इस सभा को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं इसी समय इस सभा को छोड़कर जा रहा हूं। तो भगवान शिव ने कहा कि आप अध्यक्ष हैं, सभापति हैं, और मेरे एक व्यक्ति के ना होने से ये सभा रुकेगी नहीं, मैं ही सभा को छोड़कर चला जाता। तो भगवान शिव उस सभा को छोड़कर चले गए थे। यहां भगवान शिव का अपमान किया था राजा दक्ष ने, और उसी दिन से उनके मन में शिव के प्रति द्वेष पैदा हो गया था, और इसीलिए अपने यज्ञ अनुष्ठान में शिव को नहीं बुलाया।